अमित शाह का बड़ा बयान, अयोध्या में 4 महीने में बनेगा आसमान छूता राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पाकुड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर निर्माण पर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने भरी जनसभा में बाकायदा राम मंदिर निर्माण का समय भी बता दिया। शाह ने कहा कि 4 महीने के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फैसला दिया। 100 वर्षों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग की थी कि वहां राम मंदिर, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर की दशकों पुरानी मांग का जिक्र करते हुए राम मंदिर निर्माण चाहता था, लेकिन कांग्रेस और उसके वकील कोर्ट में इसके सामने रोड़ा अटकाते रहते हैं। शाह ने कहा, कांग्रेस के नेता और वकीलों कपिल सिब्बल कोर्ट में कहते थे कि अभी केस मत चलाइए, क्यों भाई, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कांग्रेस पर मंदिर केस में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का वक्त भी बता दिया। शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। राम मंदिर समेत दूसरे तमाम मुद्दों पर घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस न विकास कर सकती है, न देश को सुरक्षित कर सकती है और न देश की जनता की जन भावनाओं का सम्मान कर सकती है। कोई मीर जाफर न चुनकर आए। इसके अलावा रैली में अमित शाह ने कहा कि ये भूमि वीरों की भूमि है और सबसे पहले अंग्रेजों को देश छोड़ने की किसी ने चेतावनी दी थी तो इसी भूमि ने दी थी। उन्होंने कहा कि संथाल हुल की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते यहाँ के आदिवासियों ने बलिदान दिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। साथ ही उन्होंने मीर जाफर के कृत्यों को उजागर करते हुए कहा कि उसके जैसा कोई प्रतिनिधि चुनकर ना आ जाए। धर्मांतरण को रोका। अमित शाह ने मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार करते हुए कहा कि झारखंड में जबरन धर्म परिवर्तन बड़ा मुद्दा था और बीजेपी की सरकार आने के बाद रघुवर दास ने जबरन धर्मांतरण को बंद करके आदिवासियों की सहायता करने का काम किया है।